दोस्तों, सबसे पहले एक चीज आप लोगों को बता देता हूं। चाइना में एक स्टडी हुआ है, एक रिसर्च हुआ है। वहां पर डर्मारोलर और मिनोक्सिडिल को तुलना किया गया है कि कौन सा बेटर है। कुछ लोगों को डर्मारोलर दिया गया इस्तेमाल करने के लिए, कुछ लोगों को मिनोक्सिडिल दिया गया इस्तेमाल करने के लिए। 3 महीने बाद जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से स्कैल्प को चेक किया तो पता चला जो लोग डर्मारोलर इस्तेमाल कर रहे थे उनके पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में बालों का जो ग्रोथ है, बालों का जो काउंट है वो ज्यादा है। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ मिनोक्सिडिल इस्तेमाल किया उनमें पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में थोड़ा सा कम रिग्रोथ हुआ है, थोड़ा सा कम बालों का काउंट है। इससे एक ही नतीजा निकलता है जो चाइना में रिसर्च हुआ है उसके मुताबिक कभी कभी डर्मा रोलर किसी किसी इंसान में मिनोक्सिडिल से भी ज्यादा अच्छा असर करता है और इसका इफेक्ट मिनोक्सिडिल से भी ज्यादा अच्छा है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को दिखा देता हूं डर्मा रोलर को यूज कैसे करना है। सबसे पहले कंघी लीजिए। दोस्तों, इस कंघी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी कंघी बाजार से खरीदते हैं उसके बाद जब बालों को कंघी करते हैं, एक पेपर लीजिए, पेपर पे कंघी को टच करिए, आप देखेंगे ये जो कंघी है ये पेपर को आकर्षित करेगा। मैग्नेटिक पावर इसमें जेनरेट होता है, इसको बोलता है स्टैटिक एनर्जी। ये जो स्टैटिक एनर्जी कंघी पे उत्पन्न होता है ये बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत सारा रिसर्च इस पे भी हुआ है कि स्टैटिक एनर्जी बालों के जड़ और बालों के लिए खतरनाक है, अच्छा नहीं है। ज्यादातर प्लास्टिक का जो कंघी आप यूज करते हैं उसमें स्टैटिक एनर्जी उत्पन्न होता है। कंघी करने के बाद एक पेपर पे उसको ऐसे पास लेके जाइए, आप देखेंगे पेपर को ये खींचेगा, उस पर चिपक जाएगा, इसको बोलते हैं स्टैटिक एनर्जी। मैंने जो ये खरीदा है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये लिखा है सोलिमो, सोलिमो, ठीक है। ये जो ब्रांड है ये मैंने अमेजन से खरीदा है। ये प्लास्टिक का नहीं है, ना ही ये वुडन का है, ये टर्टल सेल का है। टर्टल सेल, ये टर्टल सेल एक खास तरीके का मटेरियल है जिसमें स्टैटिक उत्पन्न नहीं होता, जो स्टैटिक एनर्जी होता है वो उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये मैंने यूज करना शुरू कर दिया है। तो ये लिया कंघी आपने, और आपके जो बाल है ना उसको आगे कर लीजिए। ये देखिए मैंने बालों को आगे कर लिया, ठीक है, बालों को आप आगे की तरफ कर लीजिए, ठीक है, हो गया। आपको आगे की तरफ करना है, बालों को आगे की तरफ करना है। मैंने बालों को आगे की तरफ कर लिया, ठीक है, इसको मैं रख देता हूं। अब ये रहा डर्मा रोलर, करना कैसे है ध्यान से देखिए। अगर आपने हेड सेव करा है तो आप आगे पीछे इधर इधर किधर भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, आपको जिधर मर्जी मर्जी आप उधर कर सकते हैं। लेकिन अगर लंबे बाल है, अगर डर्मा रोलर को आप ऐसे ऐसे करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो इस पे बाल उलझ जाएगा और बाल टूट जाएगा। आपको डर्मा रोलर से हेयर रिग्रोथ चाहिए, उल्टा हेयर फॉल हो जाएगा क्योंकि इस पे बाल उलझ जाएगा और टूट जाएगा। इसीलिए बालों को आगे करने के बाद ये लिया डर्मा रोलर, ठीक है, ये इसको पकड़िए और इसको पीछे से सामने की तरफ लेके आइए, पीछे से सामने की तरफ। तो मैंने ये पकड़ा, ये मैं लेके आया सामने की तरफ, उठा लिया, ये मैं लेके आया सामने की तरफ, उठा लिया। इसको पीछे मत लेके जाइए, बिल्कुल नहीं, सामने लेके आने के बाद इसको पीछे मत लेके जाइए, बाल उलझ जाएगा। इसीलिए ये मैंने लिया ये सामने की तरफ, 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 तो ये सामने आ गया। अब आएगा इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। तो मैंने ये पकड़ा और मैं इसको लेके जाऊंगा इस तरफ, लेकिन ये इसको मैं वापस इधर नहीं लेके जाऊंगा, वापस
बाल उलझ जाएगा। आपको सिर्फ दो डायरेक्शन में करना है, एक सामने की तरफ करना है और एक इधर करना है। तो मैं इधर इसको लेके जाऊंगा ऐसे करके और इसको उठा लूंगा, फिर मैं ऐसे करके सामने लेके जाऊंगा, फिर उठा लूंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, ऐसे पकड़ लूंगा और ऐसे करूंगा इसको, फिर उठा लूंगा। ठीक है, तो मेरे को ये सामने की तरफ करना है, उठा लेना है, 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 और इस साइड पे करना है। समझ गए आप? ऐसे आपको यूज करना है। अगर आपने हेड सेव किया है तो 0.5 mm से लेकर 1 mm डर्मा रोलर आप यूज कर सकते हैं। लंबे बालों में 2 mm या फिर उससे ज्यादा डर्मा रोलर इस्तेमाल करिए। और हाँ, हफ्ते में 2 से 3 दिन तक डर्मा रोलर कर सकते हैं, उससे ज्यादा मत करिए, फिर नुकसान हो जाएगा। डर्मा रोलर क्या करता है? छोटा छोटा पंक्चर करता है, छोटा छोटा होल क्रिएट करता है। मान लीजिए ये आपका सर है, आपने यहाँ पर डर्मा रोलिंग किया, तो इसमें छोटा छोटा छिद्र पैदा होता है। अगर आपने तुरंत मिनोक्सिडिल इस्तेमाल किया तो मिनोक्सिडिल का जो पेनिट्रेशन है वो अच्छा होता है, अंदर घुसता है मिनोक्सिडिल, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है डर्मा रोलर क्या करता है, छोटा छोटा होल क्रिएट करता है, छोटा छोटा छिद्र क्रिएट करता है। मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर अच्छा होगा, मिनोक्सिडिल अंदर घुस पाएगा, पेनिट्रेट हो पाएगा। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, डर्मा रोलर हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन कर रहे हैं तो इमीडिएटली इमीडिएटली डर्मा रोलर खत्म करने के बाद तुरंत वहां पर मिनोक्सिडिल को लगाइए, आपको और अच्छा इफेक्ट मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों को दिखा देता हूं डर्मा रोलर को कैसे क्लीन करना है। ये देखिए, मैं टैप के सामने हूं, ये देख पा रहे हैं टैप है, तो इसको अच्छे से रख देते हैं। यहां पर आपको पहले चाहिए ये हैंड वॉश, क्या लिखा है, लाइफ बॉय जर्म प्रोटेक्शन हैंड वॉश टोटल 10। यहां पर लिखा है 99.9% जर्म प्रोटेक्शन इन जस्ट 10 सेकेंड। जी दोस्तों, लाइफ बॉय कंपनी ने इसको बनाया है, इतना अच्छा बनाया है कि 10 सेकेंड में 99.9% जीवाणु या फिर कीटाणु को यह मार देता है। तो मैं ये लूंगा, ठीक है, ये रहा मेरा डर्मा रोलर, अब देख पा रहे हैं, और ये रहा ब्रश, ठीक है। ये ब्रश जो है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ये जो ब्रश आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये मैंने अमेजन से खरीदा है। इसका जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट, ये हार्ड बिल्कुल नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जाके इसको परचेस कर सकते हैं। अब दिखाता हूं मैं कैसे क्लीन करता हूं। ये मैंने लिया थोड़ा सा यहां पर, ये इतना सा काफी है, आप इससे भी कम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डर्मा रोलर, इसको मैं थोड़ा सा भिगो लूंगा, ये पानी से भिगो लिया, ठीक है। अब मैं ऐसे पकड़ूंगा इसको, ये रहा, ठीक है, ये मैंने इसको लगा लिया यहां पर अच्छे से, ठीक है। और ये जो मेरा उंगली है ना, इस उंगली से मैं ये साइड में पकड़ूंगा और इसको ऐसे करके रब करूंगा, देखिए फोम क्रिएट हो रहा है, देख रहे हैं आप, इसको घुमा लूंगा, ऐसे करके घुमा लूंगा, फिर ऐसे कर लूंगा, फिर घुमा लूंगा, फिर ऐसे कर लूंगा, ये जो साइड में है यहां पर भी क्लीन कर लूंगा, इस साइड में भी क्लीन कर लूंगा, ठीक है, फिर यहां पर कर लूंगा, यहां पर कर लूंगा। सो अच्छे से मैं ऐसे घिस घिस लूंगा, ऐसे करके घिसूंगा मैं इसको, ध्यान से देखिए, हड़बड़ी नहीं करनी है, प्यार से करना है आपको, ठीक है। तो लगभग 10 से 15 सेकंड आपको करना है, क्योंकि पहले मैंने आपको दिखाया था कि ये जो हैंड वॉश है यहां पर लिखा है 99% जर्म प्रोटेक्शन 10 सेकंड,
10 सेकंड में ये जर्म को मार देता है, कीटाणु जीवाणु जो भी होता है उसको मार देता है। तो 10 से 15 सेकंड आप ऐसे से करिए, ठीक है। करने के बाद इसको आपको धोना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो टैप देख रहे हैं आप, इसको खोल दीजिए ऐसे करके, ये जो पानी आ रहा है तो यहां पर आपको धो लीजिए, साइड में धो लीजिए, हर तरफ धो लीजिए। बस हो गया। फिर इसको ऐसे करके झाड़ लीजिए, झाड़ने के बाद आप इसको रख दीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द अलग अलग टॉपिक पे, जैसे कि मिनोक्सिडिल फिनेस्टाइड पे अलग से मैं रिसर्च पेपर्स आप लोगों के सामने लाने वाला हूं और पूरा डिटेल्स देने वाला हूं। वो सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।